एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत कोई क्या करते हैं कि लैपटॉप में ओरिजिनल बैटरी निकाल के कोई भी डुप्लीकेट डाल देते हैं और कॉस्ट को कम कर देते हैं। हाँ हाँ, मतलब गिर जाने पे भी पानी पे डालिए तो भी वारंटी की। आप मुकरिएगा तो नहीं ना, वहाँ से इम्पोर्ट लैपटॉप 5500 से स्टार्ट होने वाले हैं जी। दी चैलेंज किंग के 5 वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके आते हैं तो उन्हें एक मेंबरशिप कार्ड मिलेगा लैपटॉप के लिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारे सेकंड हैंड लैपटॉप स्टोर का वीडियो दिखाया हुआ है, लेकिन भाई उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लैपटॉप स्टोर के अंदर लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे भाई इंपोर्टेड रिफर्बिश लैपटॉप मिलता है जो कि बिल्कुल नया रहता है। और वहाँ पे खास बात ये भी है ना कि अगर आप लैपटॉप को भिगो के लाते हैं या फिर गिरा के लाते हैं तो भी आप लोगों को वहाँ पे वारंटी मिलने वाला है। तो भाई क्या है खास बात, वो सारा कुछ आज मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, हमारे इस धमाके वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। So, दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को आना कैसे, ये आप देख सकते हैं, ये है रांची झारखंड का रोस्पाट टावर और आप लोगों को ऐसे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवरण होम और इसी के आप लोगों को बायां साइड में आना है। जैसे आप बायां साइड में आएंगे और आप लोगों को सेकंड फ्लोर में जाना है। जैसे आप सेकंड फ्लोर में जाएंगे वहां पे है लेपीफाई। तो चलिए दोस्तों आइए सेकंड फ्लोर में। सो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं लेपीफाई में, तो चलिए चलते हैं आप अंदर। दोस्तों लेपीफाई बहुत ही ज्यादा फेमस है इंपोर्टेड रिफर्बिश लैपटॉप के मामले में। तो यहाँ पे अनूप जी आप ये बताइए कि इंपोर्टेड रिफर्बिश लैपटॉप होता क्या है? तो इंपोर्टेड रिफर्बिश लैपटॉप वो होते हैं जो इंडिया से बाहर के जो कंट्रीज में 2 से 3 मिनट में कंपनीज में चले हुए लैपटॉप है, 2 से 3 मिनट ठीक है, जिसमें यूसेज बिल्कुल कम रहता है, बैटरी है 95% अप रहे जी, कोई यूज कंडीशन बिल्कुल नया। तो कंडीशन क्या है वो तो दिखाना पड़ेगा अनूप जी आपको, ऐसे तो हम मानेंगे नहीं और हमारे ऑडियंस भी नहीं मानेंगे, तो आपको सबसे पहले कंडीशन दिखाना पड़ेगा। ठीक, दिखाना पड़ेगा भाई क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत, पता नहीं अंदर में क्या है कैसा है, तो देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ से प्लास्टिक की जो पन्नी थी मैंने हटा दी, कंडीशन अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो कंडीशन है ना वो कहीं से स्क्रेच नहीं दिख रहा है मेरे को, जो दिखता है वो हम बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्क्रेच नहीं है। लेकिन मोस्टली मैंने बहुत सारे सेकंड हैंड स्टोर का वीडियो बनाया हुआ है तो लगभग उनका भी यही रहता है। देखो उनका ही रहता है, वो धो के पोंछ के या तो पेंट या लेमिनेशन करा के ऐसे कंडीशन में कर देते हैं, एक्चुअल में यूज नहीं है। देखिए आप तो बोल रहे हैं कि यूज नहीं, लेकिन इसका प्रूफ कैसे होगा, क्योंकि भाई ऊपर से तो सभी नए दिखते हैं लेकिन भाई अंदर में क्या है कैसा कैसे पता चलेगा? देखिए अभी आप कोई भी लोकल स्टोर में जाइए तो वहाँ पे बिल्कुल लैपटॉप को धो के पोंछ के या फिर कुछ भी लेमिनेशन लगा के अंदर में बैटरी चेंज करके बोलेंगे ये है वो है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर भी आप देखना चाहते हैं तो मैं इस लैपटॉप को पूरा खोल के दिखा सकता हूँ इसमें क्या है क्या। जी जी, लेकिन इस लैपटॉप को तो आपने उठाया है तो मैं तो इसको नहीं खोलने के लिए बोलूंगा। ठीक है तो आप कोई भी एक रैंडम लैपटॉप से उठाइए और अब मैं पूरा टियर अप कर देता हूँ लैपटॉप अंदर में क्या कंडीशन है क्या नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि लैपटॉप लेके जाते हैं ऊपर में तो भाई चकाचक दिख रहा है लेकिन अंदर में पता चलता है कि साला बैटरी चेंज किया हुआ है, तो अंदर का मदरबोर्ड चेंज किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या चेंज किया हुआ है, तो वो चीज भी आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं एक लैपटॉप उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे लैपटॉप है, तो चलिए मैं एक लैपटॉप उठाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंडीशन में लग रहा है और यहाँ पे बात भी वही है भाई कि ऊपर से दिखता है नया लेकिन अंदर रहता है बैटरी चेंज किया हुआ, चिप चेंज किया हुआ, तो वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको चेक करो भैया। आपने एक रैंडम से लैपटॉप उठाया है, इस लैपटॉप को हम खोलते हैं जी, अंदर खोल के चेक करते हैं कि अंदर में बैटरी की कंडीशन क्या है, बैटरी ओरिजिनल है कि नहीं है, एसएसडी कहीं चेंज किया हुआ कि नहीं है, सारा कुछ हम खोल के चेक। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अभी दिखाना होगा आप लोग। बिल्कुल, मैं ऑन वीडियो में शो करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए टेक्नीशियन खोल के दिखाइए। तो देखिए टेक्नीशियन आए हैं मेरे। जी बिल्कुल, ये लैपटॉप अनरैप कर दिए इसने जी, यहाँ पे हमारी वारंटी स्टिकर है, ठीक
इससे ये पता चलता है कि ये लैपटॉप अभी भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपको जब वारंटी मिलेगी तो ये वारंटी स्टिकर वॉइड नहीं होनी चाहिए। तो भाई आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं करवाया होगा, मैं पूरा लैपटॉप ही खुलवा दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से बनता है। और कस्टमर उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे HP की ओरिजिनल बैटरी लगी हुई, कोई चीज नहीं, कोई लोकल SSD नहीं, कंपनी की तरफ से आया हुआ SK हाइनिक्स की SSD लगी हुई है, रैंक किंगस्टन का जो ओरिजिनल लैपटॉप के साथ में ही आता है। अगर ये लैपटॉप को अगर सर्विस सेंटर में जाके हम चेक कराएं, ठीक है, और पूछा जाए कि सर यहाँ पे कोई भी पार्ट चेंज हुआ है क्या, तो डायरेक्टली वो लोग आराम से बता सकते हैं कि ये पार्ट चेंज है नहीं है। देखिए अगर वो पार्ट चेंज होगा तो बारकोड नहीं होगा उसमें, ध्यान दीजिएगा। देखिए HP है तो आपको यहाँ पे बारकोड दिख रहा होगा, ये बारकोड, ये कंपनी का चिपका हुआ बारकोड है। कोई भी चेंज की बैटरी में बारकोड नहीं मिलेगी आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको हर एक चीज में बारकोड दिखेगी, ये हीट सिंक है, बारकोड यहाँ पे दिख रही है। देखिए हिंजेस तक में बारकोड है, यहाँ पे चेक कीजिए सारा हिंजेस तक में बारकोड है, हर एक चीज में वाईफाई कार्ड है, बारकोड है, सब कुछ में बारकोड लगी हुई है, कभी भी खुला नहीं, कोई भी पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ है। और ये सर्विस सेंटर में जाके चेक करा सकते हैं कि ये लैपटॉप कभी भी खुला नहीं है, कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप चाहो तो बहुत अच्छी निकलेगी, आराम से एक नया लैपटॉप की तरह 3 से 4 साल लैपटॉप आराम से यूज कर पाओगे, आपको कुछ भी या रिपेयरिंग या कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब मेरे हिसाब से आपके मन में कोई भी डाउट बचा नहीं होगा, क्योंकि भाई पूरे इंडिया के अंदर ऐसा खोल के लैपटॉप कोई भी नहीं दिखाता है जो कि लेपीफाई दिखा रही है। तो भाई मेरे हिसाब से कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए आपके माइंड में, आइए भाई और दबाकर लैपटॉप लेके जाइए। देखिए अनुज जी एक डाउट और बच जाता है, जैसे बहुत सारे कस्टमर जो है वो न्यू लेना चाहते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे आने के बाद या फिर यहाँ पे वो ना भी आए तो उसका क्यों मन बदले इंपोर्टेड रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेने के लिए, क्यों मन बदले बताइए। इंपोर्ट वाले जो लैपटॉप हैं जी कंडीशन में बिल्कुल नए होते हैं। हाँ कंडीशन में तो अभी मैंने दिखा ही दिया, अंदर की कंडीशन, बाहर की कंडीशन में कस्टमर में तो डाउट नहीं करते, एकदम कोई डाउट नहीं। अब क्या होता है अगर कोई भी लैपटॉप 50 से 60 हज़ार का नया मिल रहा है तो आराम से इंपोर्ट रिफर्बिश्ड आपको 20 से 25 में आराम से मिल जाएगा, अगर वो लैपटॉप बिल्कुल हाफ प्राइस में मिल जाएगा, कंडीशन बिल्कुल नई जैसी, 2 से 3 महीना यूज किया होगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या हो रहा है, स्कीम स्टार्ट की है, कोई भी लैपटॉप अगर लेते हैं तो उसमें जितनी उसकी गारंटी रहेगी उतनी देर की इंश्योरेंस भी रहेगी, अगर उस पीरियड में अगर आप लैपटॉप को पानी में गिरा देते हैं या गिरा के भी तोड़ देते हैं तो भी वो लैपटॉप गारंटी क्लेम होगा और लैपटॉप रिपेयर होगा। ध्यान दीजिएगा ये ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब गिर जाने पे भी पानी पे भी डाल ले, पानी पे डालिए तो भी वारंटी क्लेम। आप मुंह करिएगा तो नहीं ना, बिल्कुल ये इसका एक जैसे आप बिलिंग करवाएंगे तो एक आपको इंश्योरेंस पेपर मिलेगा सर, बिल्कुल सारा सीरियल नंबर सब कुछ मेंशन होगा, कैसे कैसे क्लेम होगा क्या है सारा कुछ मेंशन होगा। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है जो इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। सो दोस्तों देखिए लेपीफाई को क्यों चूज करना चाहिए, यहाँ पे मेरे को जो दिखा, खैर आपको भी वो चीज दिखा होगा, लेकिन मेरे को जो दिखा वो ये दिखा कि यहाँ पे भाई जो भी लैपटॉप मिलता है इंपोर्टेड रिफर्बिश्ड लैपटॉप, उसका कंडीशन बाहर से भी एकदम तगड़ा है और अंदर भी मैंने आप लोगों को खुलवा के दिखा दिया है, अंदर बाहर दोनों बढ़िया है। और उसके साथ साथ अगर आप लैपटॉप को पानी में गिरा के लाते हैं या फिर जमीन में गिरा के लाते हैं उसमें भी आप लोगों को इंश्योरेंस मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से इंपोर्ट लैपटॉप 5500 से स्टार्ट होने वाले हैं जी, तो 5500 से लेके 2.5 लाख तक के लैपटॉप यहाँ पे हमेशा स्टॉक है, मेरे पास हमेशा 200 से लेके 250 पीस स्टॉक डिस्प्ले में पड़े रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी आप कस्टमर देख ही सकते हैं यहाँ पे भी स्थिति ऐसी थी कि हमें रिकॉर्डिंग करने के लिए 1 घंटा वेट करना था, ठीक है। इंडिया में हम लोग फर्स्ट टाइम है जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप की इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप में फाइनेंस की सुविधा भी दे रहे हैं, फाइनेंस की सुविधा बजाज कंपनी हम लोग लैपटॉप में फाइनेंस भी कर रही है, बजाज कोई भी लैपटॉप में ऐसी फाइनेंस नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा आपको बहुत ही रेयर शॉप्स में आपको बजाज में फाइनेंस रिफर्बिश्ड लैपटॉप में मिलेगी,
कुछ भी मेजर फॉल्ट आया था लैपटॉप वापस। दूसरी बात, 6 मंथ की गारंटी ध्यान दीजिएगा, 6 मंथ में अगर कुछ भी होता है तो डायरेक्टली उसके पार्ट रिप्लेस हो जाएंगे या लैपटॉप रिप्लेस हो जाएगा 6 मंथ। और 3 साल की वारंटी में क्या होगा, जो भी लेबर या सर्विस चार्ज लगती है वो रिफंड। तो अनिल जी, आप तो वो दे दे रहे हैं जो इंडिया में कोई भी नहीं देता है, क्योंकि हम लोग खोल के भी दिखा दिया है। अब आप बोलिएगा कि इंडिया में हर कोने तक लैपटॉप पहुंचे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला हूं। उसके लिए क्या है, ऑल ओवर इंडिया कैश ऑन डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं। आप कॉलिंग के नंबर दिख जाएंगे, उस नंबर पे कॉल करके सेल्समैन से डिस्कशन कीजिए हमें कौन सा लैपटॉप चाहिए, क्या वो लोग बताएंगे, हेल्प भी करेंगे कौन सा लैपटॉप देना चाहिए आपके बजट और यूज के हिसाब से। आप वहाँ से डायरेक्टली 1000 का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कीजिए और उसे कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी। और ऑल ओवर इंडिया आपको वारंटी भी मिलेगी, आप जहाँ पे हैं वारंटी मिलेगी, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा लैपटॉप, आप जहाँ पे वहाँ पे आपको वारंटी मिलेगी। So, दोस्तों आपने वीडियो देखा कि भाई लेपीफाई क्या क्या फैसिलिटीज देती है। अगर आप लोकल हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, और अगर आप यहां से नहीं हैं तो आप डायरेक्टली कॉल करिए, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और द चैलेंजिंग चैनल और लेपीफाई ने मिलकर एक स्कीम स्टार्ट किया है कि कोई भी कस्टमर आते हैं और वो द चैलेंज स्कीम के 5 वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके आते हैं तो उन्हें एक मेंबरशिप कार्ड मिलेगा लैपटॉप लेने, ठीक है जी। उस कार्ड के थ्रू वो नेक्स्ट कभी भी परचेस करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और हमारे सर्विस सेंटर में वो कहीं से भी परचेस और लैपटॉप रिपेयर करवाते हैं तो सर्विस या लेबर चार्ज आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं, चाहे आप लेपीफाई से खरीदे हो या नहीं खरीदे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सर्विस दिया जाएगा। अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड है जी, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप रिपेयर करवा सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। भाई आप लोगों का मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया, और ऐसा डाउट क्लियर किया कि भाई पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है thechallengeking43, आप उसे जाओ से फॉलो करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।